Hello everyone, this is Saurabh from Vidyamandir classes. I passed out my engineering from 94-98 batch, and for the past 20-21 years I am training students for engineering entrances, typically for ITJ and other engineering entrances and other competitive exams. We have started the webinar series jo aap log देख रहे हैं कि हमने एक वेबिनार सीरीज स्टार्ट की है. इस वेबिनार सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब हम ट्वेल्थ क्लास में आ गए हैं, व्हेन वी आर इन क्लास ट्वेल्थ, देन हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेई एंड हाउ टू लुक बैक एट द टॉपिक्स विच वर इन क्लास इलेवेंथ. कि अब हम जो ट्वेल्थ क्लास में अब हम आ चुके हैं तो हम किस तरीके से जो है जेई की तैयारी करेंगे और किस तरीके से क्लास इलेवेंथ के टॉपिक्स को हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे दोबारा से क्या कर सकते हैं उनके ऊपर. मेरा जो ये 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये देखा कि जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं तो उस समय पर बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, आई कैन से मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनका सीरियसनेस उतना नहीं होता है. क्योंकि 10th तक क्या होता है कि चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं, जैसे साइंस की एक पतली सी बुक होती है, मैथ्स की एक पतली सी बुक होती है, एंड दैट बुक्स गेट यू कैन से एक्सप्लोडेड इनटू टू बुक्स ऑफ फिजिक्स इन 11th एंड टू बुक्स ऑफ केमिस्ट्री इन 11th, एंड देन मैथमेटिक्स गोज डिवीजन इनटू द फोर डिफरेंट पार्ट्स, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री. तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जब तक इस बात को डाइजेस्ट कर पाते हैं, जब तक समझ पाते हैं, जब तक सीरियसनेस आ पाती है, तब तक क्या होता है कि सितंबर अक्टूबर 11th क्लास का आ जाता है और जब तक काफ़ी सिलेबस जो है 11th का निकल जाता है. तो जब हमने बच्चों से हम बात करते हैं, 12th क्लास में आ गए हैं, तो मैक्सिमम बच्चों का जो एक बात होती है वो यही होती है कि सर 11th में तो हम सीरियस नहीं थे, या भैया 11th में तो हम लोग सीरियस नहीं थे. अब हम एक साल में हम क्या करें कि जो है हम लुक बैक करें और हम लोग फाइट बैक करके वापस मेन स्ट्रीम में आ जाएं. तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है यहाँ पे कि जब हम 11th 12th में इस समय आ गए हैं तो क्या लेट हो गया है, क्या अभी कुछ नहीं हो सकता है या कुछ हो सकता है? तो इसका जवाब सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं. तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी जना जो इस समय जस्ट 12th में आया है वो बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम आज से इसी समय से जो है इस बात को मान लें कि हमें जेई जो है 2020 का क्रैक करना है तो हम बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. आप जैसे देश के 90% स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुए थे और उन्होंने शायद बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करनी शुरू नहीं की थी. तो अब हम लोग को कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है अपनी प्रिपरेशन को, आने वाला जो एक साल है उसको किस तरीके से प्लान करना है, क्योंकि बोर्ड्स भी आ रहे हैं, जेई की प्रिपरेशन भी करनी है, 12th का सिलेबस भी पढ़ना है, 11th का सिलेबस भी रिवाइज करना है. तो सबके बीच में कैसे बैलेंस बनाएं, किस तरीके से बैलेंस बनाएं, तो आज का जो वीडियो है, आज का जो डिस्कशन है, छोटा सा डिस्कशन जो है वो इसी पर बेस्ड है. तो इससे पहले हम डिस्कशन शुरू करें, अगर आपने हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए जिससे कि आपके पास फ्यूचर नोटिफिकेशंस आते रहें. देखिए, अब से लेके और मई एंड तक, 30th मई तक, ठीक है, हमारा एडवाइस आपको यह है कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th के टॉपिक्स पढ़िए. जो भी आपके स्कूल में इस समय टॉपिक्स चल रहे हैं या जो भी आपके कोचिंग सेंटर में टॉपिक्स चल रहे हैं, उन टॉपिक्स को आप 100% एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, जो भी वर्ड आप इसको यूज करें, उसके साथ इन टॉपिक्स को पढ़िए, कन्विक्शन के साथ पढ़िए. जैसे फिजिक्स में मान लीजिए आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो ऐसा पढ़िए कि अब से लेके और दिसंबर तक आपको रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े. मैथ्स में अगर आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं, अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं, तो ऐसी पढ़िए कि अब से लेके आपको दिसंबर तक रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है. तो इसमें अभी पूरा फोकस करके जो है एक महीने 12th के ऊपर लग जाइए, आंख बंद करके 12th के ऊपर लग जाइए और इसके अलावा कुछ भी मत सोचिए. फिर बात आती है कि अब हम 1 जून से और 31 जुलाई तक की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ द सेकंड पीरियड व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जून टू 31 जुलाई. अगर हम इन दो महीने की बात करें तो हां, मैं कह रहा हूं कि हम लोगों को एवरी डे वी नीड टू स्पेल आउट 2 आवर्स एवरी डे इन दिस पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 31 जुलाई टू रिवाइज टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11th, ठीक है. 1 जून से लेकर 31 जुलाई तक हम क्या करें, क्लास 11th के टॉपिक्स को रिविजन करें,
ठीक है, अब बात आती है कि कौन से टॉपिक्स को रिवाइज करें, इतना बड़ा क्लास इलेवेंथ है ना, तो हम क्या करेंगे इस वेबिनार सीरीज में एक एक करके एक एक सब्जेक्ट लेंगे। फिजिक्स लेंगे एक सीरीज में, एक में केमिस्ट्री लेंगे और एक में मैथमेटिक्स लेंगे, और तीनों को हम आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स जो हैं एग्जाम के फेवरेट हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप कम एफर्ट लगा के उनमें से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये हमारी आने वाली वेबिनार सीरीज आपको सब्जेक्ट वाइज जो है इन टॉपिक्स को बताएगी कि इलेवेंथ के टॉपिक्स कैसे पढ़ेंगे। तो उससे आप जो है जून फर्स्ट वीक से लेके, जून फर्स्ट से लेके 31 जुलाई तक जो है उनको को पढ़िए रोज 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर्स एवरी डे फ्रॉम 1 जून टू 31 जुलाई, राइट। अब बात आती है जुलाई के बाद क्या करें, तो जुलाई के बाद भाई अगस्त से लेके जो है आप क्या करना शुरू कर दीजिए, वापस 100% जो वो 2 घंटे दे रहे थे वो 2 घंटे भी अब आप किसको देंगे, सारा टाइम किसको दे रहे हैं, अब आप 12th के सिलेबस को दे रहे हैं। जून और जुलाई में भी आप 12th का सिलेबस पढ़ रहे थे, बट सिर्फ 2 घंटे आप किसको दे रहे थे, 2 घंटे आप 11th के सिलेबस को दे रहे थे। अब आप अगस्त से, 1 अगस्त से क्या करेंगे, फिर से पूरा क्या करेंगे, 12th के सिलेबस पर अपना फोकस लगा देंगे और उस सिलेबस को खत्म करेंगे। देखिए एग्जाम जो है जेई मेंस का जनवरी में है, तो हमारी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि दिसंबर तक हम सब कुछ जो है बिल्कुल फिनिश्ड पॉलिश्ड रिविजन के साथ हमारा इस्टेब्लिश हो जाए। तो फिर अब हम क्या करें, हम नवंबर के महीने में यानी आप क्या कर रहे हैं, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, इन तीनों महीनों में सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th पढ़ रहे हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th। नवंबर में पूरा 11th जो है वो रिवाइज आप करेंगे, अच्छे से पूरा 11th आप जो है वो रिवाइज करेंगे। ये नवंबर का महीना किसके लिए है, क्लास 11th के रिवीजन के लिए है। फिर दिसंबर का महीना किसके लिए है, दिसंबर का महीना क्लास 12th के रिवीजन के लिए है। तो पूरा सिलेबस आपने देखिए 11th का क्या इस प्लानिंग में क्या ब्यूटी है कि पूरा 11th का सिलेबस आपने रिवाइज कर लिया नवंबर में, पूरा 12th का सिलेबस आपने रिवाइज कर लिया दिसंबर में। तो आपने एक्चुअली में 11th और 12th का दोनों का सिलेबस जो है कंप्लीटली रिवीजन कर लिया है 2 महीने के अंदर, नवंबर के अंदर और दिसंबर के अंदर। देन फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स, मतलब नवंबर से और दिसंबर तक, यू हैव टू टेक एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक टेस्ट विच आर बेस्ड ऑन जेई, राइट, जेई मेन। तो नवंबर और दिसंबर में पूरे महीनों में आप क्या करेंगे, जेई मेन के मॉक टेस्ट्स देंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका पूरा रिवीजन जो है 11th का हो जा रहा है, 12th का हो जा रहा है। और अभी जिनके मन में ये बात चल रही थी कि क्या हम तैयारी कर सकते हैं 12th में आके कि नहीं कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं, 100% नहीं 120% तैयारी कर सकते हैं। आपका सक्सेस जो है 120% इंश्योर हो जाएगा कि जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, जो विद्यामंदिर की पूरी टीम है, जो हमारे मेंटर्स हैं, जो हमारे फाउंडर्स हैं, जिन्होंने मिलकर ये सब प्रोग्राम हमने बनाया है, तो इसमें बिल्कुल क्लियरिटी है हमें कि किस तरीके से हमें अप्रोच कराना है बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी, कि किस तरीके से। तो हम लोग इसको एक बार एक मिनट लेके जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या स्ट्रेटजी फ्रेम की थी। पहला क्वेश्चन का आंसर ये था कि अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है या बहुत सीरियस नहीं हुए हैं 11th में, तो आप बिल्कुल सीरियस हो सकते हैं आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद, और अगले आने वाला सारा टाइम जो अगले 1 साल का है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, जैसे हम बता रहे हैं वैसे यूटिलाइज कीजिए, स्टडी प्लान जैसे हम बता रहे हैं वैसे स्टडी प्लान करिए, तो आप जो है अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अब जो है आज से लेके मई 1 से लेके मई 30 तक जो है आप टाइम, जो भी जिस दिन भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब से लेके 30th मई तक, क्लास 12th के सिलेबस को 100% फोकस करिए, और ऐसा फोकस करिए कि उसको आपको दिसंबर से पहले रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। देन फ्रॉम 1 जून टू 31 जुलाई आप दिन में 2 घंटे सिर्फ जो है, क्योंकि देखिए समर वेकेशन भी होंगे इस पीरियड में, दिन में 2 घंटे जो है वो क्लास 11th के टॉपिक्स पे लगाएंगे, और क्लास 11th के कौन से टॉपिक्स पे लगाएंगे हम आने वाली अपनी वेबिनार सीरीज में आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि एक दिन फिजिक्स, एक बार फिजिक्स के बारे में बताएंगे, एक बार केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, एक बार मैथमेटिक्स के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको रिविजन में लेने हैं, ठीक है। तो जो है जून और जुलाई में 2 घंटे देने, बाकी सारा टाइम 12th क्लास के सिलेबस को पढ़ना है। जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फुल्ली डिवोशन टुवर्ड्स क्लास 12th सिलेबस एंड कंप्लीट द क्लास 12th सिलेबस बाय अक्टूबर। आपको अक्टूबर एंड तक पूरे का पूरा क्लास 12th का सिलेबस खत्म कर लेना है। नवंबर का महीना सिर्फ और सिर्फ जो है क्लास 11th के सिलेबस का रिवीजन है, दिसंबर का महीना क्लास 12th के सिलेबस का रिवीजन है, नवंबर और दिसंबर मिला के आपको मॉक टेस्ट्स देने हैं। तो यही स्टडी प्लान है और यही तरीका है कि किस तरीके से आप 11th के टॉपिक्स को 12th के अंदर
कर सकते हैं। तो हमारी आने वाली वेबिनार सीरीज में हम आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स किस सब्जेक्ट के आपको करने हैं रिवीजन के में, जो हम आपसे जून जुलाई में कह रहे हैं रिवीजन करने के लिए, जो आपसे छूट गए हैं या आप नहीं पढ़ पाए, आपकी मास्टरी नहीं हुई है, उन टॉपिक्स को आप जून जुलाई में पढ़ेंगे और नवंबर में फिर 100% जो है 11th क्लास का रिवीजन करेंगे। यही हमारा अभी जो है आपको संदेश है, मैसेज है स्टडी प्लान को लेके, जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है। रिकरिंग वेबिनार सीरीज में आपको जो है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको जानकारी दी जाएगी, जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे तीनों के, वो आपको इसके बारे में और जो है जानकारी देंगे। इसी के साथ मैं आपसे यहाँ पे आई एम साइनिंग ऑफ एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन फॉर दिस ईयर, एंड अगेन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।